स्टूडेंट, मैं सुनीता रानी आज आपको महाद्वीप के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे हमारी पृथ्वी पर 7 बड़े महाद्वीप हैं। सबसे पहला महाद्वीप है हमारा एशिया। एशिया देखिए मैप में, ये मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, ये एशिया महाद्वीप है। ये सारा जो ये येलो से है, लाइट येलो से सारा जो ये कवर है, ये सारा एशिया महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में का भाग में है और भारत एशिया का ही भाग है। देखिए, जैसे सबसे ऊपर आपका उत्तर आता है और नीचे आपका दक्षिण आता है और दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम होता है। यह मैप जो आपने भरना है वो संसार का भौगोलिक मैप में भरा जाएगा। सेकंड है आपका, दूसरा महाद्वीप आता है आपका यूरोप। देखिए, अब इसमें ढूंढिए यूरोप कहाँ है। यूरोप एशिया के बिल्कुल साथ में ही है, यह पश्चिम में स्थित है। इसके चारों तरफ, यह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। देखो, चारों तरफ ये नीला नीला ये जो है पानी है। और एशिया और यूरोप के संयुक्त भाग को, मतलब मिले जुले भाग को हम यूरेशिया कहते हैं। अब आपको नेक्स्ट पढ़ना है, तीसरा महाद्वीप जो है अफ्रीका है। अब अफ्रीका ढूंढिए, ये देखिए, ये अफ्रीका है। एशिया के बिल्कुल नीचे अफ्रीका है। अफ्रीका जो है वो दूसरा बड़ा महाद्वीप है और यह सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसमें सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। यहाँ पर हम मरुस्थल से अभिप्राय, आप समझते हो, जहाँ पर रेत ही रेत हो वह मरुस्थल कहलाता है। तो विश्व की सबसे ज़्यादा बड़ा मरुस्थल यहाँ पर सहारा मरुस्थल आपके अफ्रीका महाद्वीप में ही है और ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ये देखिए, ये चारों तरफ, ये सारा जो ये नीला नीला दिख रहा है, ये सारा पानी पानी है, ये सारा अफ्रीका महाद्वीप है। नेक्स्ट आपका आता है उत्तरी अमरीका। अब इसमें आप ढूंढिए उत्तरी अमरीका, ये रहा। उत्तरी अमरीका जो है विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, विश्व का मतलब संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके एक संक्रिय स्थल से ये जुड़ा हुआ है, जिसे हम कौन सी संधि कहते हैं, पनामा जल संधि। मतलब इसका बड़ा भाग जो है वो स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, जिसको हम पनामा जल संधि के नाम से जानते हैं। यह पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। ये पूरा, ये उत्तरी महाद्वीप, ये जो ये सारा है, ये लाइट पिंक कलर का, ये उत्तरी अमेरिका में, ये सारा उत्तरी अमेरिका है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका। उसके बाद का जो महाद्वीप है वह हमारा दक्षिणी महाद्वीप है। ये नीचे देखिए आप, येलो, डार्क येलो से है, ये दक्षिणी अमेरिका है। ये सारा महाद्वीप, महाद्वीप मैंने आपको बताया था कि महाद्वीप का मतलब है स्थल का बहुत बड़ा भाग, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी नदी बहती है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी इसी दक्षिण अमेरिका में बहती है। उसके बाद आपका अगला महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ये आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। यह भी चारों ओर से समुद्र से घिरा है। ये जो सारा ये लाइट लाइट ब्लू कलर आप देख रहे हैं, ये सारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है, मगर ये सबसे छोटा महाद्वीप है और इस महाद्वीप को हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सेवंथ महाद्वीप है अटलांटिका। ये देखिए सबसे नीचे, ये अटलांटिका महाद्वीप जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में है। ये देखो दक्षिण है ना, नीचे का भाग दक्षिणी कहलाता है और यह भाग जो है वह, इसलिए इसमें ये सारा जो वाइट वाइट है, ये सारी ये मोटी परत जमी हुई है, ये बर्फ से जमा रहता है, इसको अटलांटिक महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पर जहाँ बर्फ जमी रहती है, इसमें अंटार्कटिका महाद्वीप में लोग जो हैं वो रहते नहीं है, स्थायी मानव जीवन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप मैप लीजिए और मैप में इन महाद्वीपों को भरिए, 7 महाद्वीपों को। कौन सा है, फर्स्ट महाद्वीप आपका एशिया, सेकंड महाद्वीप आपका, ये देखिए ये फर्स्ट एशिया, मैं मैप पे लिख रही हूँ,
सेकंड महाद्वीप आपका यूरोप, थर्ड महाद्वीप आपका अफ्रीका, फोर्थ महाद्वीप आपका उत्तरी अमेरिका, फिफ्थ महाद्वीप आपका दक्षिणी अमेरिका, और सिक्स्थ महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया, और सेवंथ महाद्वीप आपका अंटार्कटिका। देखो बच्चों, इसको याद करने के लिए आपको इसको अलग अलग पेन से भरना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में महासागर बताऊंगी, जो कि पृथ्वी पर जल का बहुत बड़ा भाग। अब मैं ये बताऊंगी कि आपको महासागर कैसे भरने हैं इसमें। ओके, थैंक यू।